जरूरी है, क्योंकि खाने के बाद गुड़ खाना शुरू कर दिया तो मीठे से हो जाता है दांत खराब, इसलिए ये और जरूरी है। सो गाइज, हेयर ऑयलिंग के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सोल फ्लावर का हेयर ऑयल। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ बेनिफिशियल दिस ऑयल इज़, एंड ये वाकई बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा दिखाता है आपके बालों में। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऑयल थोड़ा सा जमा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर नारियल ऑयल है, गोले का तेल है, तो इसीलिए हमें इसको पिघलाना ज़रूरी है। तो पिघलाने के लिए मैं इसको हीटर के सामने रख रही हूँ थोड़ी देर, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से एकदम परफेक्ट हो गया है, ऑयलिंग मसाज के लिए रेडी है एकदम परफेक्टली। तो अभी हम इसको अपने बालों में डाल लेंगे। तो इस तरह से इसको ओपन कर लेते हैं, आपको भी आता होगा। तो अभी इसको ओपन करने के बाद अपने बाल ओपन कर लेती हूँ, और एक चीज़ आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि मेरे बाल कितने ज़्यादा ड्राइड एंड डैमेज नज़र आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज मैंने लास्ट शूट पर हेयर आयरनिंग करी थी, स्ट्रेटनिंग करी थी, तो इसलिए ये ड्राइड हो गए हैं। तो ये हेयर ऑयल अच्छे से इनको नरिश कर देगा। तो गाइस, सेल्फ हेयर ऑयलिंग करने के दो तरीके हैं, दोनों ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नंबर वन ये है कि सबसे पहले आप इस तरह से पार्टीशन या मांग निकाल लें, और हर एक मांग में, हर एक पार्टीशन में जिस तरह से मैं ऑयल लगा रही हूँ, बिल्कुल फिंगर टिप से, हल्के फिंगर टिप से मसाज कर रही हूँ, आपने भी वैसे ही करना है। छोटी छोटी मांग निकालनी, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर, एंड मसाज कर लेनी है बहुत लाइट फिंगर से। इससे क्या आपको हेयर फॉल भी नहीं बढ़ेगा अगर आप हल्के हाथ से मसाज करेंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से आप लगा सकते हैं, अगर मांग निकालने में, पार्टीशन निकालने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या नहीं निकल पाती है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। पाँचों फिंगर टिप्स पर ऑयल को लीजिए और हल्के हाथ से इस तरह से मसाज कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथों से आपको बहुत लाइट हैंड से मसाज करनी है, पूरा फ्रंट भी बैक भी, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप देखिए और उसी तरह से मसाज करिए। और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा आपकी हेयर लेंथ में भी एंड हेयर टेक्सचर में भी, आपके बाल भी ख़राब नहीं होंगे। अभी क्या है, स्कैल्प में मसाज करने के बाद मैं देखो, आप इस तरह से हेयर लेंथ में बहुत लाइट हैंड से हेयर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। आपको ना बहुत हल्के हाथों से आपके लेंथ में हेयर ऑयल लगाना है। अगर आप सोचेंगे कि रगड़ रगड़ के जल्दी जल्दी लगाएं तो आपके बालों में स्प्लिट एंड्स ज़्यादा हो जाएंगे और हेयर ऑयल लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बहुत हल्के हाथों से अभी फेस के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये आयुर्वेदा का फेस ऑयल, जो कि कोल्ड प्रेस रोज सीसम ऑयल है, और ये बहुत बहुत अच्छा फेस ऑयल है। सो गाइस, आई हैव ड्राई स्किन इन विंटर, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस ऑयल। और अगर आपकी बिल्कुल भी ड्राई स्किन नहीं है, ऑयली है, इट मीन्स विंटर्स में कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, बट दो या तीन ड्रॉप ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा ना करें। अदरवाइज आप कोई भी मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं, एंड इसी तरह से लाइट हैंड से मसाज कर सकते हैं, एज आई एम डूइंग राइट हियर। सो अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए नाउ आई एम गोना यूज़ दिस लिप लव बाय लैक्मी। एंड आप कोई भी लिप बाम या कोई भी लिप केयर थेरेपी आप यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस बिकॉज इट्स परफेक्टली परफेक्ट फॉर माय लिप्स। एंड इसकी एक खास बात है इस लिप लव की, कि इसमें ना थोड़ा सा मिंट एसेंस है, सो दैट्स वाई ये मेरे लिप्स को थोड़ा सा ठंडक दे देता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वोलिनी डॉक्टर्स का सुझाए नंबर वन ब्रांड। और अभी हाउ कैन आई भूलिंग दिस वोलिनी। दर्द अंदर का हो या बाहर का, हमें कुछ सिखा के ही जाता है। वोलिनी, नो टाइम फॉर पेन। इट्स सो कंपल्सरी फॉर माई लाइफ, इट्स सो कंपल्सरी फॉर माई शोल्डर, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट्स माई लव, ओ माई गॉड,
सो गाइस, सारी चीज़ें हो चुकी हैं कंप्लीट, आज का दिन भी ख़त्म हो चुका है। सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। और मुझे नहीं पता सबका नाइट रूटीन क्या होता है, पर मेरा नाइट रूटीन यही है। मॉर्निंग में मैं लेट उठती हूँ, भले ही कुछ भी करूँ, बट नाइट में आई जस्ट फॉलो अप ऑल दोज थिंग्स जो कि मैंने करी हैं। इनके बिना आई कैन नॉट डू एनी थिंग। और अगर ये नहीं करती हूँ तो नेक्स्ट जो डे होता है उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, वो चाहे लिप्स को लेकर हो, चाहे फेस को लेकर या शोल्डर पेन को लेकर। तो मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सब लोग सो चुके हैं और मैं ही रहती हूँ, तो मैं भी सोने जा रही हूँ। आई होप गाइस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे हमेशा, और ढेर सारा प्यार दिखाएं अपना, कमेंट्स भर दिया करो, पूरी जो मन में आए वो लिख दिया करो, पर अच्छा अच्छा लिखा करो। हाँ, बुरा बोल के बुरा लिख के किसी का मन मत उदास किया करो, जो भी लिखना है अच्छा अच्छा लिखो। और ऑलवेज डू सपोर्ट मी। खराटों की आवाज़ आ रही है तो मैं भी सो जाती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। भैया से दो बाजू दे ली है, अच्छी तो ये भी लग रही है, ले लें क्या? कितने दिन चल जाती है? कौन सी अच्छी लग रही है, ये या ये पिंक वाली? ऊपर वाली। पक्की बात? हाँ। चलो देखिए, ऐसे ऐसे टंगी रहेगी ये, ठीक है। एक चिड़िया ली है हमने, एक के दो बाजू ली है, सही लग रहा है क्या? चल आ जा। क्या क्या बोलेगा मुंह से बोल? के और डी। ये डी हो गया, ये के हो गया, तो मतलब के से मैं, आ डी से तू, केशव और दीपाली, के डी। तो कब कर रहा है शादी बता? इस साल फरवरी में। इस साल फरवरी में? ये साल तो खत्म हो गया, 4-5-10 दिन रह गए। 2022 में फरवरी। पक्का? कमावा कितना? पक्की बात, कितना कमाता है? दिन का 2 रुपए। कितना कमाता है? दिन के 10 रुपए वो भी लेके। अच्छा, वो भी दूसरे से मम्मी पापा से लेके? कल तो दिखा दे। अच्छा, अरे नहीं, डिजाइन को पता तो चलना चाहिए कि कौन है। ओ भाई भाग यहाँ से। भाई ये है मेरे इतने सारे कपड़े जो कि मैंने निकाले हैं सब इस अलमीरा से, ठीक है? वो पीछे भी सूख रहे हैं, मतलब पूरा हमारा घर कपड़ों से भरा हुआ है, और खासकर जब मेरा शूट होता है ना तो ये ऐसे भरे रहते हैं। तो मेरा है परसों शूट, तो मुझे इस सारे लगेज में इनमें से कपड़े छांट छांट के लगाने हैं तय करके इसमें। अब क्या है कि ये है मेरा नया सूट, है मेरा नहीं है, शेफाली का है। तो ये सूट मैं अपनी फिटिंग का कराऊंगी, क्योंकि परसों वाले सॉन्ग में मुझे ये सूट चाहिए ही चाहिए, ठीक है? कौन सा दिखा देती हूँ, ये वाला। तो ये सूट मुझे चाहिए, तो मैं इसको अपनी फिटिंग का कराने ले जा रही हूँ। और इसका भी सूट हल्के से फिटिंग करानी थी, क्योंकि मैंने थोड़ा वेट लूज़ किया है, थोड़ी सी मैं स्लिम ट्रिम हुई हूँ, थोड़ी सी स्लिम ट्रिम हुई हूँ। और अब मैं ये सूट लेके जा रही हूँ, और एक सूट और है, दो सूट और है, दिखाती हूँ। तो एक सूट ये है, ओए सूट वाले, एक सूट ये है, ठीक है? तो इन 3 सूट की मुझे फिटिंग करा के लानी है। और कोई सूट भी है क्या? नहीं, बस यही 3 सूट है। तो अभी 3 सूट की मैं ऑल्टरेशन कराने जा रही हूँ। चलो ये क्या मेरे साथ चलते हैं, ऑल्टर कराने जा रही हूँ। कोई बैग दे दो यार, ऐसे लेके जाऊंगी तो कोई हंसेगा, कोई बोलेगा फिर। अगर ऐसे लेके जाऊंगी ना तो कोई भी बोल देगा, हाँ जी बहन जी सूट कैसे दिए? फिर मैं कहूंगी मेरे हैं भैया, 150 रुपए का नहीं है। कहाँ पे? हाँ इसमें ले जाऊंगी। तो फाइनली मुझे एक बैग मिल गया। तो मेरे यहाँ सब अस्त व्यस्त रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, मतलब अपने काम के लिए मेहनत करते हैं, घर की साफ सफाई में इतना मेहनत नहीं करते हैं। जो अपर क्लास होते हैं ना, ये सब मेहनती काम उनके हैं। अब हमारा हमारा क्या है, रोज खाना, रोज कमाना,
फिर कमाना अगले दिन, फिर खाना, फिर अगले दिन कमाना, फिर खाना। तो ऐसे लोग ना मेहनत नहीं करते ज्यादा घर की साफ सफाई में, और अच्छा भी है। पूछो क्यों अच्छा? इसलिए अगर हमें कोई चीज चाहिए और इधर उधर बिखरी पड़ी, फटाक से मिल जाए, ओ येरी, है ना। और ज्यादा संगवा के अगर साफ सफाई करके मैं रख देती हूँ ना, तो मैं रख के भूल जाती हूँ। हमेशा ऐसी होती, मैं रख के भूल जाती हूँ, इसलिए फिर कभी कभी फैला हुआ काम आ जाता है। तो ये हो गया मेरा झोला तैयार, थैला। तो इसकी मैं फिटिंग कराने जा रही हूँ। फिर कैसे कैसे शब्द बोलने लग गई ना मैं, झोला बोला। किसी के लिए क्या ही सोचना है ना। जा रही हूँ मैं, पैसे तो ले लूँ। निकल पड़ी थी इनके फिटिंग कराने। हो गया बहुत बहुत लेट हो गया, बट मैंने कॉल करके बोल दिया था। तो मैंने उनको फोन करके बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ, उसके भी आधे घंटे बाद मैं जा रही हूँ। देख लो लेट हो गया ना, थोड़ा ज्यादा ही पहुँचने वाली हूँ, लेकिन मैं पास में ही है। फाइनली मैं आ गई हूँ इधर, और ये मेरी सूट की फिटिंग करेंगी। देख लो आप भी हेलो बोल दो हमारे व्यूअर्स को। हेलो। तो हमारे सूट की फिटिंग सारी यही करती हैं और अच्छा करती हैं, तो इसीलिए मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि मैं आ रही हूँ। हालांकि मैं लेट हो गई हूँ आधा घंटा, बट कर दो आप। क्या ही कर सकते हैं, करा लेती हूँ पहले। मैंने करा लिया अल्ट्रेशन और अब मैं निकल रही हूँ भाग भाग के। ये सूट भी बैग में नहीं रखा क्योंकि लेट बहुत हो गई हूँ।